राजनगरी आगरा में पिछले कुछ दिनों से स्वास्थ्य विभाग द्वारा सकारात्मक दिशा में काम करते हुए लगभग आधा दर्जन बिना रजिस्ट्रेशन चल रहे अस्पतालों को सील किया गया। स्वास्थ्य विभाग द्वारा दिए गए रजिस्ट्रेशन संचालित नॉन मेडिकोज आगरा के तमाम अस्पतालों को उन चंद लोगों की वजह से बदनामी झेलनी पड़ी और अपना दर्द अपनी वेदना लेकर छोटे छोटे नॉन मेडिकोज अस्पताल संचालक पहुँच गए मुख्य चिकित्सा अधिकारी से इंसाफ मांगने, जहाँ उन्होंने छोटे छोटे रजिस्टर्ड नॉन मेडिकोज अस्पतालों के चलने की वकालत तो की लेकिन गलत कार्य करने और बिना रजिस्ट्रेशन अस्पताल चलाने वाले फर्जी लोगों पर FIR के निर्देश भी दिए हैं। जो अभी जो अस्पतालों के ऊपर कार्रवाई हुई है, जिनके रजिस्ट्रेशन नहीं थे, कंप्लीट का पेपर्स कंप्लीट नहीं थे या स्टाफ कंप्लीट नहीं था, उनके खिलाफ FIR दर्ज हुई है, तो वो तो चलता ही रहेगा। दूसरे भी देखेंगे, चेक करेंगे दूसरे अस्पताल भी, और जनता की सुविधा के लिए मैं तो सबसे पहले IMA से ही रिक्वेस्ट करूँगा कि कम से कम अपने यहाँ जो भी हॉस्पिटल हैं, चाहे अगर 30 बेड का हॉस्पिटल तो 10% बेड्स वो गरीब जनता के लिए रखें, चाहे उनका वार्डियल मतलब BPL बेड के नाम से कर दें, जो भी करें, लेकिन थोड़ी सी समाज सेवा भी अपने स्तर से करें। बड़े अस्पतालों में कहीं ना कहीं लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं और बड़े खर्चे होते हैं बड़े अस्पतालों में, तो सर ऐसे अस्पतालों के लिए क्या कहना चाहेंगे, वो भी IMA के सदस्य हैं वर्तमान? हाँ नहीं, उसी के लिए मैं कह रहा हूँ, ये जो गरीब जनता है जो पे नहीं कर सकती इतनी ज़्यादा, तो उसके लिए मैं IMA से अपील करूँगा कि वो 10% बेड्स अपने ऐसे ही गरीबों के लिए करें जो उनके बिल्स हैं उसमें भी 10% लें। वो छोटे अस्पतालों को सर मानते हैं कि मरीज, छोटे अस्पताल भी चलने चाहिए, मैं इस फेवर में हूँ, छोटे अस्पताल चलने चाहिए, लेकिन वो कायदे कानून से बंधे हुए हैं, कोई उल्टा सीधा बिल ना लगाएं और फैसिलिटीज जो हों उन्हीं का पेमेंट लें। आपको बता दें कि आगरा में अर्थ न्यूज की टीम ने रजिस्टर्ड अस्पतालों में जाकर मरीज के तीमारदारों से उनके मन की बात जानी, जहां उन्होंने कहा कि छोटे छोटे अस्पतालों में वह इलाज बेहतर तरीके से करा सकते हैं, बड़े अस्पताल संचालक पहले पैसा जमा करा लेते हैं फिर इलाज करते हैं, ऐसे में मरीज का इलाज कराना मुश्किल हो जाता है। यहाँ तक कि लोगों का मानना है कि छोटे अस्पताल संचालक कम पैसों में अच्छा इलाज देते हैं और देख रेख भी अच्छी होती है। भाई पथरी की परेशानी है ना, अरे भाई इतना पैसा भी नहीं है, कहाँ बड़े अस्पताल ले जाए तो भाई, अब जे मान लो कम पैसे में हो जाए तो ठीक है, और नहीं अब का खेत भी क्या अब करे। हाँ वो तो लग जाते हैं, मान लो अब कहाँ करो या फिर जी कह रहे आलू के पैसे थे काम हो जाए तो बढ़िया है। हाँ छोटे में कचू भाई बढ़िया होता है, देखावारी होती है, अच्छा, तो और खर्चा भी कम है। अजीत कुमार जैन इटावा से, अच्छा, एक्सीडेंट मतलब फिरोजाबाद में, परेशानी एक्सीडेंट में क्या रही? दो फ्रैक्चर है उसके पैर में, एक है शोल्डर में। इलाज कैसा मिल रहा है? बढ़िया मिल रहा है। छोटे छोटे अस्पतालों में इलाज किस तरह का मानते हैं आप, बढ़िया होता है, अफोर्ड कर सकते हो आप खर्चा? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, जैसे कि बड़े हॉस्पिटलों में नहीं कर सकते हैं, छोटे छोटे हॉस्पिटलों में हम बढ़िया तरीके से इलाज करा सकते हैं, अपना पैसा भी बचा सकते हैं, अपना समय भी बचा सकते हैं और इलाज हो सकता है। आप पक्ष में छोटे अस्पतालों? हाँ छोटे अस्पतालों के पक्ष में है। अस्पताल संचालक नवीन पालीवाल की माने तो तीमारदार मरीज को न जाने किन किन हालातों में लेकर आते हैं और ऐसे में उन लोगों के साथ छल हो वो ठीक नहीं है। मैं नवीन पालीवाल, माँ भगवती हॉस्पिटल भगवानटा की जागरा। जी, किस तरह के मरीज आपके पास में आते हैं और क्या कोऑपरेट उनको करते हैं? हमारे पास में गांव देहात से पेशेंट आते हैं, हम उनकी मदद करने के आधार पर काम करते हैं, कोशिश करते हैं कि कोई जो पेशेंट आता है, जरूरी थोड़ी है उसके साथ कोई कैजुअलिटी हो गई तुरंत भागता है इंसान, किसी पे पैसे होते हैं नहीं होते तो उनका भी इलाज होता है, जिनके होते हैं उनका भी इलाज करते हैं, अपनी जेब से भी कभी कभी किसी पेशेंट को लाखों रुपए लगाने पड़ सकते हैं, किसी की ज़िंदगी अनमोल होती है, पैसे से बड़ा ज़िंदगी से बड़ा पैसा कभी नहीं हुआ ना होता है। यहाँ तक कि मरीज के तीमारदारों का यही मानना है कि अस्पतालों में किसी भी तरह की दिक्कतें उन्हें नहीं आ रही हैं। इरशाद और आकाश के घर से दो लोगों को एक ही गाड़ी में ट्रक से भयंकर एक्सीडेंट हुआ, आनंद फानंद में उन्हें आगरा लाया गया, जहां दोनों का उपचार भगवान टाकीज स्थित एक निजी अस्पताल में चल रहा है और दोनों के तीमारदार इलाज और अस्पताल संचालक के व्यवहार से संतुष्ट दिखे।
इतना ही नहीं, पैसा नहीं होने पर भी मानवता को ध्यान में रखते हुए अस्पताल संचालक नवीन पालीवाल ने मरीजों का इलाज जारी रखा। दिक्कत था, एक्सीडेंट हुआ था रात, ये मलना, मलना, मलना कोई थाना है, एटा से आगे गांव है कोई मलना या मलना थाना हो। घोंटू में, पैरों में, हाँ टूट गया। स्थिति ज्यादा डाउन थी, हम लेके आए प्राइवेट माँ भगवती हॉस्पिटल। अच्छा, कैसा इलाज हो रहा है? इलाज तो बढ़िया हुआ साहब, बचा बच मरीज, ज्यादा स्थिति खराब था, अब तो ठीक है। जब मैं लेके आया था पेशेंट बहुत गड़बड़ था, तो लेके आया, फिर इन्होंने भर्ती करा, हमसे एक पैसा नहीं था, तो इन्होंने कहा कोई बात नहीं, हमने कहा मैंने कि हमारे कुछ गांव से आ रहे हैं और तुम काम शुरू करो और इनकी दवाई गोली करो और पैसा हम मंगा रहे हैं। तो फिर उसके बाद इन्होंने फिर कोई बात नहीं आ गए दोपहर तक, फिर इन्होंने पैसा वैसे ही नहीं लाए, वैसे देखने आ गए थे, तो इन्होंने अपनी तरफ से ब्रेड वगैरह सब चीज़ मंगाया, दवाई गोली करी, सब काम हो गया, तो गाड़ी वाड़ी वगैरह पैसा सब चीज़ दिया था इन्होंने, मरीज हमारा ठीक हो गया। वहीं संवाददाता करतार सिंह बघेल ने आगरा शहर के एक और रजिस्टर्ड नॉन मेडिको अस्पताल में पहुंचकर मौजूद मरीज के तीमारदार से अस्पताल द्वारा दी गई व्यवस्थाओं को जाना। इतना ही नहीं, बड़े और छोटे अस्पतालों के व्यवहार और मरीज को मिलने वाले इलाज को जानने की कोशिश की, जहां उसने अपने विचार व्यक्त किए। जैसा कि आगरा में वर्तमान में अगर बात करें तो जो नॉन मेडिकोज अस्पताल है, नॉन मेडिकल अस्पताल को लेकर जिस तरीके से एक लोगों की सोच है, जो सोच बना रखी है नकारात्मक सोच कुछ लोगों ने बना दी है, जिससे कि पूरा नॉन मेडिकोज जो माहौल है उनका एक तरह से ख़राब हो गया है, उनके प्रति जो नकारात्मक लोगों की सोच जो बढ़ती जा रही है। मैं आज एक ऐसे शख्स से बात करने जा रहा हूँ जो कहीं ना कहीं इन नॉन मेडिकोज अस्पताल, जो छोटे छोटे अस्पताल हैं, उनकी सच्चाई को बयां करेगा कि सकारात्मक दिशा में भी ये काम कर रहे हैं। अगर ये अस्पताल सकारात्मक दिशा में काम नहीं करें तो शायद इनको बहुत बड़े मुश्किलों में, इस तरह के तमाम पेशेंटों को मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। जी, मैं जानना चाहूँगा आपसे कहाँ से आए हो आप? जी सर, मैं डिस्ट्रिक्ट मैनपुरी कुरावली से आया हूँ। आपके जो मरीज को जो दिक्कत थी वो किस तरह की दिक्कत थी, कितना सीरियस था? सर, मैं तो एटा में था नहीं, जो ये लड़का जिसका लड़का है वो वहाँ पे था, उसकी हालत इतनी गंभीर थी कि इसने इसको ये पता भी नहीं था कि आगरा से एटा से कुरावली तक का कितना भाड़ा लगता है। उन्होंने जितना बताया उतना देने को तैयार हो गया। उन्होंने भी हमारे साथ इतना बढ़िया किया कि वो हमको आसपुर से लेके एटा आए और एटा से फिर आगरा लेके आए। उन्होंने मात्र 2000 रुपए लिए मुझसे, एम्बुलेंस वाले ने। अच्छा, मैं बात करूं, आप जिस अस्पताल में लेके आए मरीज को, उस अस्पताल में आपके पेशेंट का देख रेख किस तरीके का हुआ और डॉक्टरों का एक जो आपके प्रति व्यवहार था वो किस तरह करा? सर, मेरे साथ तो ऐसा व्यवहार हमने अभी आगरा के अंदर और भी हम पहले भी मरीज लेके आए थे, ऐसा हमने कभी नहीं देखा कि बगैर पैसे के इलाज हो जाए। इन्होंने दवा के लिए मैंने रिक्वेस्ट किया तो भाई साहब ने, हमारे डॉक्टर साहब ने ये बोला कि आप दवा लो, पैसे आ जाएं आप जमा कर देना। इन्होंने दवा दिलाई, हमारे बच्चे का ठीक होने लग गया, ठीक हो गया। उसके बाद में आज भी इन्होंने हमारे साथ में ऐसा व्यवहार किया है कि हम आगरा में कभी ऐसे डॉक्टर से कभी नहीं मिले। कौन से अस्पताल में? न्यू मैक्स हॉस्पिटल। एक सोच जो कहीं ना कहीं देखी जाती है कि बड़े अस्पताल जितने भी होते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें होती हैं उनकी, तो और जो छोटे अस्पताल होते हैं उनमें अंतर क्या समझते हैं आप? अंतर सर, हम तो अंतर ये समझते हैं जो इंसान के प्रति व्यवहार जो इंसान करे वही हम उसको समझते हैं। लेकिन हर एक मरीज के साथ जो भी गार्जियन आता है या कोई भी आता है वो डॉक्टर साहब को भगवान की तरह मानता है और वो ये कहता है कि हमारा बच्चा या हमारा बुजुर्ग या कोई भी हमारे पिता माता ठीक हो जाए, ये तो हम जानते हैं सर। मेरा सवाल जो था आपका, आपसे ये था कि अगर यही मरीज आपका बड़े अस्पतालों में जाता तो किस तरीके का आपको वहाँ माहौल मिलता, किस तरीके का व्यवहार मिलता उनका? अब सर, हम तो वैसे एक बार और आए थे तो ऐसा माहौल हमको नहीं मिला जैसा वहाँ यहाँ मिला। उम्मीद
उम्मीद उनसे किस तरह की रखते हैं? तो हमें थी नहीं सर कि वो हमारे साथ में ऐसे व्यवहार से मतलब इतना बिल भी कम कर लेंगे या हमको बगैर पैसे के दवा दे देंगे, हम ये भी नहीं, हमको तो उम्मीद कतई है ही नहीं वहाँ से। पहले ही पैसा जमा करा लेते हैं ऐसे बड़े अस्पतालों में ऐसा? हाँ जी, पहले वो पहले कहते हैं तुम्हारा मरीज मरे या जिंदा रहे पहले यहाँ पे 50,000 जमा कर दो या 20,000 जमा कर दो, पहले करा लेते। यहाँ छोटे छोटे अस्पताल जैसे हैं उनके बारे में क्या सोच है? जैसे आपने बताया कि जैसे हमने यहाँ से तो देखा है, हमको तो यहाँ से बढ़िया और भी आगरा में बहुत से हॉस्पिटल हैं, हमको तो ऐसा दिखता नहीं है सर, इससे बढ़िया हमको कोई नहीं मिलेगा। तो आपने देखा कि जैसा इन्होंने अपना अपने विचार प्रस्तुत किए हैं नॉन मेडिकोज को एक नकारात्मक सोच के साथ जिस तरीके से एक बदनाम करने की साजिश रची जा रही है कुछ चंद लोगों की वजह से, कुछ चंद लोग फर्जी हो सकते हैं, पूरे माहौल को आप नेगेटिव नहीं बना सकते, पूरे सब हॉस्पिटलों को आप नेगेटिव नहीं बना सकते हैं। तमाम ऐसे अस्पताल हैं जो समाज सेवा की भावना से शायद वो लगे हुए हैं और तमाम लोग उनकी तारीफ भी करते हैं और उन्हीं तारीफों में से एक तारीफ ये शख्स कर रहे हैं जिन्होंने अपने मरीज को शायद अपने मरीज को लेकर आए और गंभीर हालात में लेकर आए और बिल्कुल यहाँ से एक अच्छा व्यवहार मिला, घर का सा वातावरण मिला। तो कहीं ना कहीं ये छोटे अस्पताल भी एक सकारात्मक दिशा में काम कर रहे हैं। हम उम्मीद यही करते हैं और लोगों से जो बदनाम करने की साजिश करते हैं ऐसे अस्पतालों को, छोटे छोटे अस्पतालों के पक्ष में जो कहीं ना कहीं एक नेगेटिव सोच रखते हैं, हम उम्मीद यही करते हैं कि उन लोगों को अपनी सोच कहीं ना कहीं बदलनी होगी जिससे कि तमाम लोगों का भला हो सके। क्योंकि बड़े बड़े अस्पतालों में अपने खर्चों को अफोर्ड लोग नहीं कर सकते हैं, छोटे अस्पतालों में उनके घर खेत दुकान मकान जो हैं वो बच भी सकते हैं। कैमरे के पीछे आर्यन बघेल, मैं करतार सिंह बघेल, अर्थ न्यूज़। घर को बनाना है खास तो चले आइए कोयल पेंट के पास। दीपावली पर दीवारों को सजाना है, कमरों को आकर्षित बनाना है, घर में मेहमान आए तो बोले कहाँ से कराया पेंट, कौन सा पेंट, कैसे चमक रही है दीवारें, वाह क्या खूबसूरत वॉलपेपर है, ये कर्टन कहाँ से लाए हो। ग्राहकों के लिए विश्वास का दूसरा नाम बन चुके कोयल पेंट ने 40 सालों में लाखों घर सजाए हैं, वो भी काफी कम दामों पर। तो जल्दी करें और सीधे चले आएं कोयल पेंट, सुल्तानगंज के पुलिया, बाईपास रोड, आगरा पर। निदेशक मुरारी लाल कोयल, मोबाइल नंबर 9897135351।